तो गाइज ये है मैकबुक एयर M1 चिपसेट वाला लैपटॉप। ये मैं जस्ट ही परचेज किया हूँ, लगभग 10 दिन हुआ होगा। और इसके तुरंत ही बाद अभी जस्ट आज ही है एप्पल का इवेंट जहाँ पे मैकबुक M1X चिपसेट वाला लैपटॉप लॉन्च होने वाला है। सारी चीज़ें वहाँ पे बताया जाएगा। परफॉर्मेंस तो लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है मानता हूँ मैं, लेकिन प्राइस भी तो 2 गुना कर दिया है तुमने। यहाँ प्राइस तो लिटरली इसका बढ़ गया है, बट यार परफॉर्मेंस लिटरली बहुत ही अच्छा होने वाला है। ए मैकबुक M1 जो भी बोले, लेकिन ये M1X लिटरली मार्केट में तबाही मचाने वाला है। तो फाइनली गाइज क्या हुआ है कि अभी मैकबुक M1X न्यू चिपसेट वाला लैपटॉप लॉन्च होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस भी होने वाला है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है पहले वाले से आई थिंक बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अभी पूरी तरह से सारी चीज़ रिवील नहीं हुआ है, बट यहाँ पर क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अभी मैं सारा आपको बताने वाला हूँ, और देखेंगे कि पहले वाले से इसमें क्या क्या अपग्रेड हुआ है और आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज ही एप्पल का इवेंट है 10 बजे से। और मैं सोचा हूँ कि आपको एक बार छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ यही एप्पल M1X के बारे में। ओके गाइज, ये है एप्पल एयर M1 चिपसेट वाला लैपटॉप। इसमें आपको देखने मिलता है 8GB रैम है इसमें, और ये है 7 कोर इसका GPU है और 8 कोर इसका CPU होने वाला है। ये जो मैकबुक है अभी तक मेरे पास जो भी लैपटॉप है इससे कई गुना ज़्यादा ये फास्ट है। वीडियो रेंडरिंग के समय हो या कोई भी काम कर रहा हूँ उस समय माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देता है, मतलब हमेशा निराश कर देता है विंडोज लैपटॉप पर जब मैं एडिटिंग करता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग रहा होगा यार इसमें तो इतना क्या है, लेकिन जो भी है बहुत ही पावरफुल है। इवन जब मैं वीडियो एडिटिंग करता रहता हूँ तो मुझे किसी भी तरह से चार्जिंग पोर्ट लगाने का भी जरूरत नहीं है। इस लैपटॉप में चार्ज में लगा हो या नहीं लगाओ फिर भी परफॉर्मेंस उतना ही तगड़ा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जस्ट अभी M1X चिपसेट वाला मैकबुक आने वाला है, अभी मैक मिनी भी आएगा, बट अभी उस सब के बारे में नहीं आऊँगा। जस्ट मैं अभी आता हूँ इसके मैकबुक पे। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आपको जो भी चीज़ बताऊँगा ऑफिशियली अभी ये सारी चीज़ नहीं आया है, ये यानी कि ये कन्फर्म नहीं है कि यही सारी चीज़ होने वाला है, बट ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अभी आते हैं इसके डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे स्क्रीन साइज होने वाला है 14 इंच और इसका 16 इंच में आने वाला है। जो पहले वाला था ये 13 इंच में ही सिर्फ अवेलेबल था, बट इस बार क्या हुआ है इसका स्क्रीन का साइज बढ़ा दिया गया है। 14 इंच और 16 इंच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है पहले के डिस्प्ले के मुकाबले। और यहाँ पर एक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला है जो है मिनी LED डिस्प्ले होने वाला है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद हम आते हैं इसमें आपको जो वेबकैम मिलने वाला है मैकबुक के अभी तक जितना भी लैपटॉप है इस सभी में 720p का ही आपको सारा चीज़ देखने को मिल रहा था, यानी कि HD आपको वेबकैम मिल रहा था। बट अभी क्या हुआ है ये माना जा रहा है कि इसमें आपको 1080p वेबकैम देखने को मिलने वाला है, तो ये काफ़ी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे अगर आप 1080p मिल रहा है तो यानी आप अगर लाइव वगैरह जाते हो या आप कोई मीटिंग अटेंड करते हो, जूम कॉल पे रहते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस होने वाला है। आपको किसी तरह से वेबकैम लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1080p अगर वेबकैम का रेजोल्यूशन हो तो लिटरली काफ़ी अच्छी बात है। गाइज अब आते हैं डायरेक्ट इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। यहाँ पे मैकबुक एयर जो है और एक प्रो है जो पहले आया था M1 चिपसेट में, तो जो एयर है उसमें आपको 7 कोर GPU और 8 कोर आपको CPU देखने को मिल रहा था, और इसी का जो प्रो वेरिएंट था इसमें आपको 8 कोर CPU और 8 कोर GPU देखने को मिल रहा था। इस बार क्या हुआ है इसमें आपको सारी चीजें चेंज कर दिया गया है, यानी कि जो मैकबुक एयर M1X होगा उसमें आपको 16 कोर GPU देखने को मिलने वाला है, और मैकबुक प्रो जो होगा M1X 32 कोर का GPU देखने को मिलने वाला है। तो ये आप सोच सकते हो यार कितना हद तक ये फास्ट होगा पहले वाले से, और जितना भी आपके पास लैपटॉप वगैरह है इससे तो कई गुना ज़्यादा फास्ट हो ही जाएगा। ऐसे में एक चीज़ और निकल के आ रहा है, जो NVIDIA का RTX 3070 जो ग्राफिक्स कार्ड है सेम उसके मुकाबले में जो M1X का 32 कोर्स वाला होने वाला है ये लगभग सिमिलर होने वाला है। ये Dev2D की तरफ से निकल कर आया है, तो ये आप सोच सकते हो 3070 जो GPU NVIDIA का लिटरली अपने आप में बहुत ही पावरफुल इसका ग्राफिक्स कार्ड है। अगर ऐसा सिर्फ आपको एक कॉम्पैक्ट सा छोटा सा लैपटॉप में देखने को मिल जाए तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, आप ये सोच सकते हो बस। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, बट ये सारी चीज़ हो सकती है और नहीं भी हो सकती, बट मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करने का जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैकबुक M1X चिपसेट वाला जो लैपटॉप आने वाला है इसका जो बेस वेरिएंट होगा उसमें आपको डायरेक्ट 16 GB रैम से ही स्टार्ट होगा, तो 64 GB तक होने वाला है मैक्सिमम ऐसा बताया जा रहा है।
तो आपको यहाँ पे आप ये सोच सकते हो इसका प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि 16 GB रैम आप सोच सकते हो एप्पल के लिए कितना बड़ी बात है। जैसे आप अपग्रेड भी करना चाहते हो 8 GB रैम वाले से 16 GB रैम, तो आपको 24 से 25 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी 16 GB से स्टार्ट ही होने वाला है, तो प्राइस ऐसे ही बढ़ने वाला है। गाइस यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बेस वेरियंट में आपको 512 GB का SSD भी देखने को मिलने वाला है। ये आप अपग्रेड कर सकते हो, जैसे नॉर्मल अगर जो इससे पहले था मैकबुक एयर M1, इसमें अगर आप जैसे ही आप अपग्रेड करना चाहते थे, तो अगर आपके पास 256 GB SSD वाला है तो 512 GB SSD में जाते थे, तो 512 GB में जैसे ही आप जाते थे तो आपको प्राइस बढ़ जा रहा था 20 से 25 हज़ार के आसपास। तो सेम यहाँ पर भी होगा, लगभग प्राइस 20 से 25 हज़ार बढ़ ही जाएगा। तो ये सारा चीज़ होने वाला है। यहाँ पर आते हैं बैटरी लाइफ के ऊपर। तो मैकबुक एयर जो M1 है मेरे पास, इसका बैटरी तो मुझे लगभग 2 दिन का चल जाता है, लेकिन अगर मैं इस पर हेवी यूज करता हूँ, वीडियो एडिटिंग हमेशा चलता ही रहता है अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो मुझे लगभग 12 घंटे के आसपास बैटरी मिल जाता है इजिली, बिना चार्ज में लगाए हुए मैं बात कर रहा हूँ अभी। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो M1X होने वाला है इसमें बैटरी का थोड़ा सा शॉर्टेज देखने को मिलने वाला है, बैटरी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इतना पावरफुल परफॉर्मेंस देगा तो बैटरी हो सकता है कम आपको देखने को मिले, प्लस में डिस्प्ले साइज भी बड़ा हो रहा है तो बैटरी थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा पहले वाले के मुकाबले। ओके गाइस एक चीज़ और यहाँ पे अपग्रेड होने वाला है, जो टच बार था पहले मैकबुक प्रो वगैरह में, जैसे आप देखे होंगे कि टच बार दिया गया था, ये इस बार हटा दिया गया है। तो मुझे तो ऐसा इतना यूज नहीं लगता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वीडियो एडिटिंग वगैरह में, तो मुझे उसका इतना यूज नहीं था, बट इस बार ये हटा दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, जैसे आपने पुराना वाला जो आप लिए होंगे मैकबुक M1, उसमें आपको किसी तरह से पोर्ट नहीं देखने को मिल रहा था, बस आपको यहाँ पे थंडरबोल्ट 2 पोर्ट मिल रहा था और इस साइड आपको 3.5 mm जैक का एक पोर्ट मिल रहा था। बट इस बार यहाँ पे पोर्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, HDMI पोर्ट दे दिया गया है, कार्ड रीडर का पोर्ट है, प्लस में टाइप ए पोर्ट दे दिया गया, तो यहाँ पे आपको पैसा थोड़ा सा बच सकता है। Type-C2 अगर मैं HDMI हो गया, कार्ड रीडर स्लॉट हो गया, टाइप ए पोर्ट वगैरह कुछ मैं लेने जाऊँ कनेक्टर, तो मुझे लगभग इजिली 3,000 से 5,000 के बीच में आता है, जो सबसे नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे आपका 4-5 हज़ार रुपया बचने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे मैकबुक M1X में। इसके बाद यहाँ प्राइस का बात करूँ, तो ऐसा माना जा रहा है कि मैकबुक जो 14 इंच वाला होने वाला है $1,800 में होने वाला है, और मैकबुक जो 16 इंच जो वेरिएंट है वो आपको $2,000 के आसपास देखने को मिलने वाला है। प्राइस चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे अपग्रेड वगैरह करोगे तो प्राइस ऑफ कोर्स है कि चेंज हो ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। गाइज आप अगर सोच रहे हो कि आपको नया वाला M1X चिपसेट वाला लेना है मैकबुक, और अभी जो पुराना था वो सेल में तो 72 के आसपास आ गया था, बट इसका प्राइस 88,000 के आसपास रहने वाला है, तो अब आप ही सोचो, अगर आप एक प्रो हेवी यूजर हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन डेफिनेटली M1X होने वाला है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल परफॉर्मेंस से काम चल जाएगा तो आपके लिए अभी भी बेस्ट ऑप्शन आपका पुराना जो मैकबुक M1 है वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि प्राइस डेफिनेटली यहाँ पे 2 गुना हो चुका है अभी वाले के जो लॉन्च होने वाला है। प्राइस क्या होगा, क्या आपको स्पेक्स मिलने वाला है, एप्पल इवेंट अभी 10 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, तो आपको सभी चीज़ पता चल जाएगा। ओके तो आई होप गाइज यहाँ पर मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन था, अब इसमें से कितना हद तक ये सभी चीज़ें होने वाला है, क्या इसमें से नहीं होने वाला है, ये तो मुझे भी अभी नहीं पता है, जैसे इवेंट स्टार्ट होगा तभी जाकर पता चलेगा। फिर भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछे। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना आपको काफ़ी अच्छा लगता है किसी भी टेक्निक्स के ऊपर, या आपको रिव्यू के ऊपर, या अनबॉक्सिंग स्मार्टफोन वेयरेबल डिवाइस के ऊपर, इन्वेंशन डिस्टा को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।